तो आज की वीडियो है उस वीडियो का सेकंड पार्ट जो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ एक बार। अब मैं इस थ्रेड की मदद से बनाऊंगी फ्लावर। ये है बटरफ्लाई पर्ल थ्रेड, ठीक है, और मैंने लिया है डबल थ्रेड। अब बेहतर ये है कि आप अगर बिगनर हैं तो फिर आप पेंसिल से या किसी भी चीज़ से मार्क कर लें कि आपको कितने पेटल्स बनाने हैं फ्लावर में, 5, 6, 7, 8 जितने भी, और फिर उस पर ही आप स्टिच करें। क्योंकि मुझे अंदाज़ा है, आइडिया है, तो मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन मार्क करना बेटर है। ये देखें, इस तरह से ये फ्लावर बन गया है कंप्लीट। और अब इसके बीच में मैं एक लगाऊंगी सीड बीड। और सीड बीड लगाने के लिए मैंने वही बारीक वाली नीडल ली है और लिया है ये ट्रांसपेरेंट थ्रेड, ये फिश वायर जो मैं अपनी बाकी वीडियोस में मैंने यूज़ किया हुआ है। और इस तरह से मैंने बीच में एक इसके सीड बीड लगा दी। अब नेक्स्ट मैं दोबारा फ्लावर बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैंने लिया है सिंगल थ्रेड, मतलब थ्रेड के एक साइड पे मैंने नॉट लगाई है और एक साइड पे नहीं। और अब मैं चेन स्टिच की हेल्प से बनाऊंगी एक फ्लावर। इसमें भी बेटर है कि आप पहले मार्किंग कर लें ताकि फ्लावर ख़राब नहीं हो, लेकिन जैसे चेन स्टिच बनाते हैं उस तरह से हम सिंगल चेन स्टिच बनाएंगे और उससे बनाएंगे सारे फ्लावर के पेटल्स। ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये क्या करना है, आपने इस तरह से इसको बनाना है और जितना बड़ा पेटल आपने बनाना है इस थ्रेड के बीच से ही आप नीडल निकालेंगे पीछे से, यहाँ से, ठीक है। और आपने धागा यहाँ पर रिंग की तरह से यहाँ पे धागा छोड़ना है शुरू में। और इस पॉइंट पे आप स्टिच लगा देंगे, इस तरह से ये जो है वो सिक्योर हो जाएगा। और अगर हमें चेन स्टिच लगाना होता है तो हम इसी स्टिच को आगे जो है वो बढ़ाते रहते हैं, चेन बना देते हैं इसकी, लेकिन क्योंकि हम इस स्टिच के हेल्प से फ्लावर बना रहे हैं इसलिए इसी तरह का एक एक स्टिच के हमें पेटल बनाने हैं, जितने डिफरेंट जितने भी बनाने हैं, 5, 6, ठीक है। और ये इस तरह से बन गया। अब इसके भी बीच में मैं ऐसे ही करूँगी कि एक सीड बीड लगाऊंगी और वो इस नीडल से नहीं लगेगी, सेम उसी बारीक वाली नीडल से लगेगी और सेम उसी फिश वायर वाले थ्रेड से लगेगी। सीड बीड के लिए आप और भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये इनविजिबल है, ये दिखता नहीं है, इसलिए ये यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट जो मैं कर रही हूँ वो है सीक्वेंस को कैसे स्टिच करते हैं ओवरलैप में, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बीच में हमने नीडल, बीच में हमने थ्रेड डाला है और ये अभी स्टिच करेंगे, ठीक है। आपने एक स्टिच लगाया ऊपर की तरफ और फिर इसको उधर फ्लिप कर दिया, ठीक है। और इसी तरह से इसके बाद आप एक एक सीक्वेंस को स्टिच करते जाएंगे और आगे की तरफ फ्लिप करते जाएंगे, मतलब बैकवर्ड फ्लिप करते जाएंगे। और ये ओवरलैपिंग वाली सीक्वेंस के लिए सबसे बेटर ये है कि आप नीचे की तरफ ही डाउनवर्ड ही आप स्टिच करें बाकी न्यू सीक्वेंस को। अगर आप अपवर्ड करेंगे तो सेटिंग आउट हो जाएगी, तो इसलिए बेटर है कि आप इस तरह से स्टिच करें। अब नेक्स्ट है ये, इसमें मैं स्टिच कर रही हूँ सीक्वेंस को सीरियल वाइज, मतलब ये ओवरलैप नहीं करेगा एक दूसरे को, सीरियल वाइज है। इसकी दोनों बोथ साइड्स पे जो है वो आप स्टिच लगाएंगे एक उधर एक उधर।
और इसी तरह से सीक्वेंस में सारे इसी सीक्वेंस में सारे सीक्वेन को स्टिच करेंगे। अब ये नेक्स्ट है कि सीक्वेन को और किस तरह से स्टिच कर सकते हैं, बीट के साथ स्टिच कर सकते हैं। ठीक है, हमने अक्सर ड्रेसेस में देखा होगा, अक्सर चीज़ों में देखा होगा कि जो है वो ये इस तरह से स्टिच हुआ है। तो क्या करते हैं, पहले एक सीक्वेन, फिर एक सीड बीट, और फिर हमने इसको बिल्कुल एंड तक ऐसे कर लेना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सीड बीट को हटा कर सीक्वेन में ही इस तरह से नीडल डालेंगे और सीड बीट को स्टिच कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, ये इस तरह का हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इसी तरह से हम बीट को भी स्टिच कर सकते हैं, बड़ी बीट के साथ छोटी बीट को स्टिच कर सकते हैं। ये मैंने एक बड़ी बीट ली है 2 mm की, और इसके साथ मैंने एक सीड बीट ली, और मैं इसके साथ भी सेम चीज़ कर रही हूँ कि मैंने इसको स्टिच किया, सीड बीट को हटाया और फिर नीडल को इसमें डालकर इस तरह से स्टिच कर दिया। ठीक है, इस तरह से किसी भी चीज़ को स्टिच करने में थ्रेड नज़र नहीं आता और वो खूबसूरत भी हो जाता है क्योंकि बीट लग जाती है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।